दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी नौकरी पेशा, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे जिन जिन लोगों ने जो है ईपीएफ, ईपीएफओ और पीपीएफ में जो पैशन निवेश किए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो हम बात करेंगे क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं ईपीएफ, ईपीएफओ, पीपीएफ में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे जो कि इन्वेस्टेड पैसे हैं, उसमें कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, और अभी जो लेटेस्ट जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बेसिकली जो ये अपडेट है, अभी काफ़ी जो है मीटिंग के बाद से ईपीएफओ में जिन लोगों के पैसे निवेश हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनको जो है आने वाले टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब वो मिलेगा 8.65, पहले ऑलरेडी 8.8 था, उसको कम करके पहले कम हो गया था, और अब दोबारा से जो है अभी मीटिंग्स के बाद से जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये है कि अब जो है जिन लोगों के ईपीएफओ में पैसे, जिन लोगों ने पैसे निवेश किए हैं, उन लोगों को जो है 8.65 तक का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से जिन लोगों ने पीपीएफ में पैसे डाले हुए हैं, उनको जो है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले जो है क्वार्टर में 8% का मिलेगा, जो कि पहले काफ़ी कम हो गया था, 7.6 7.8 तक आ गया था। अब दोबारा से एज़ पर द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर जो पीपीएफ में जो पैसे इन्वेस्टेड है उस पर जो है 8% मिलेगा, और जो ईपीएफओ में उसमें 8.65 मिलेगा। तो जो भी नौकरी पेशा आदमी, केंद्रीय कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट की बात है क्योंकि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।